मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख रही है, अब तो अधिकारियों ने उनका भाषण ही छोड़वा दिया। हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष तीर फेंक दिया, रावण पे पानी छिड़काया। कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा करते। दूसरा चरण का यात्रा है और आप लोगों को पहले से विषय पता है, ये जो यात्रा है, ये जो कार्यकर्ता से संवाद का और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष है आपके ब्लॉक के संवाद कर रहे हैं ताकि पार्टी के संगठन का और कैसे विस्तार किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए संगठन को, इस सिलसिले में है। और इसके बाद एक बार यात्रा हो जाए उसके बाद अगले बार फिर हम लोग निकलेंगे जो पब्लिक में जाएंगे। तेजस्वी जी, आज चार सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है? तैयारी क्या है, चार में से तीन तो हम ही लोग जीते थे, इस बार चारों जीतेंगे और को पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से नकारात्मक सरकार चल रही है कोई काम जो है नहीं। मेरे जाने के बाद एक भी लोगों का नौकरी नहीं लग रहा है, पूरा लगभग जो है 3.5 लाख जो है वो प्रक्रियाधीन हम लोग कराए थे, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं हुई है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट मीटर, स्मार्ट नहीं वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है, तो लोग परेशान हैं हर एक चीज़ों से और इसलिए हम लोग सब लोग हर जगह जाकर के लोगों के बीच आएंगे और बीच में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो सरकार आप देख लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार जो है 2012 के बाद से अब तक नहीं रही और लगातार जो है सरकार बदलती रही है। विकास के लिए स्थिर सरकार जो है बहुत ज़रूरी है, जब तक स्थिरता नहीं रहेगी सरकार में तब तक जो है काम नहीं होने वाला है। आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अब तो अधिकारियों ने उनका भाषण ही छोड़वा दिया, एक कमरे में 5 मिनट के लिए बैठक हो जाती है, हज़ारों की योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है, तो पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है जिसने केवल वोट लिया बिहार से, बिहार के लोगों ने MP बना के भेजा, लेकिन बिहार की जब विशेष राज्य के दर्जे की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है, जब विशेष पैकेज की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। बाढ़ में उस दौरान जब 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था उस समय की UPA सरकार ने, जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब 1000 करोड़ का पैकेज केवल बाढ़ के लिए दिया था, अभी कितना मिला किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार का जो अधिकार मिलना चाहिए जिसके बदौलत पे केंद्र में सरकार बनी है, बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है, इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चले, ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, ना कि जो गठबंधन में एक पार्टी बोलती है कि हम नफरत फैलाने निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं और दूसरी पार्टी जो सत्ता में है मौन बैठी रहती है, चाहे दलितों का इशू है, SC ST का इशू हो, हर मुद्दे पे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, खामोश रहती है ये सरकार। अभी भी शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी 75%, 65% जो OBC, EBC, SC ST का किया था उसको अभी भी जो है सरकार इग्नोर कर रही है। सत्ता में बैठे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मौन साध लिए, मुंह में दही जमा लिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपने एक बार ट्वीट भी किया था, सिर्फ बवेला हुआ था कि वो स्वस्थ नहीं है। आपको तो चिंता है भाई, चाचा है तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम तो उनका सम्मान करते ही हैं,
लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। दशहरा में तेजस्वी जी, दशहरा में देखा गया कि तीर और धनुष जब छोड़ना था तो हम लोग देखे, अब क्या हो गया अब तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे पानी छिड़काया, यही बात होती लालू जी या मेरे से होता। लेकिन फिर भी चलिए, एक हो सकता है कि उम्र का प्रभाव जो है वो दिखा है, लेकिन इस पे राजनीति हम करते नहीं है, ये अलग विषय है। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की है, अगर कोई ऐसी बात होती है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो तेजस्वी यादव आगे आएंगे उन्हें रोकने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू भी मौन है, तो आप आगे आएंगे? भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया? सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा करते, बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए, तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो,